कुछ रीत जगत की ऐसी है। ए बाप रे, जलपा क्या हो रही है? सॉरी मम्मी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी। खाना तो आराम से बैठ के खा ले, प्लेट ले ले। नहीं नहीं मम्मी जी, वो ना मैं सिर्फ नमक टेस्ट कर रही थी। नमक टेस्ट कर रही थी? हाँ, हलवे में। अरे भाभी, क्या आप भी, अब ऐसे वक्त में तो खाने का मन करेगा ही ना, है ना? तो ये ले, ये तेरे लिए। जलेबी भी? जलेबी खाएगी? हाँ ठीक है, ये और ये ले, ठीक है? थैंक यू। खुश? और भाभी आप भी, है ना, ये जरा चख लीजिए ना, ये मीठा और नमक सब ठीक है या नहीं? हाँ समता, तुम सालों से एक बढ़िया पकवान बनाती आई हो, आज तक उसमें नमक या मीठा कम या ज्यादा हुआ है? तो फिर चखना क्यों है? ये मुझे दो। अरे अच्छा भाभी, एक बात बताइए, ये मोटा भाई ने सुजान भाई और कविता बहन को वापस तो बुला लिया है, आपको क्या लगता है, नरेन और कीर्ति की सगाई तय हो जाएगी? इतना आसान नहीं है समता, नरेन अपनी जिद पे अटका हुआ है, और अगर सुजान भाई अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ गए, बात तो बिगड़ी समझो, बाप बेटे में हंगामा तो तय है। तो आखिर जंग छिड़ी गई अकबर और सलीम के बीच। एक बात बता, अनारकली को पता है ये सब? नहीं यार, इनफैक्ट उसके तो सुबह से बार बार कॉल आ रहे, हिम्मत ही नहीं हो रही उससे बात करने की। अरे यार वो टेंशन में होगी। अरे तू तो क्या टेंशन में, मैं नहीं हूँ क्या देवेन? और क्या बताऊ उसको और कैसे बताऊ? अरे तुझे तो पता भी नहीं है यार, लेकिन मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसको यकीन दिला के आया था कि नंदिनी मैं घर वापस जाके बापूजी से तुम्हारे और मेरी शादी की बात करूंगा, यहां वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्या बात करूं? तो भाग जा। क्या? हाँ देख, तरीका थोड़ा फिल्मी है लेकिन 100% कारगर है मेरे भाई, एकदम चाचा फरका और हमेशा कामयाब होने वाला। और सुन, अगर तू भाग भी गया, अरे बाबूजी क्या कर लेंगे? अरे वो तो समाज के प्रमुख है ना, उनको तो एट द एंड सब कुछ। तू पागल हो गया क्या देवे? कैसी बातें कर रहा है यार? मैंने यहाँ दूसरों को रोका है भागने से, मना किया है कि अच्छी बात नहीं होती, और तू मुझसे कह रहा है कि मैं खुद भाग जाऊं? अच्छा चल, एक बार के लिए मैं तेरी बात मान भी लेता हूं। तुझे क्या लगता है, नंदिनी मानेगी इन सबके लिए? कुछ पता नहीं होता ना तो बोला मत करा करते, ठीक है? बात तो सुन। नरेन भाई, मोटा बापू आपको नीचे बुला रहे हैं, आइए। जी भाभी, बस कोट पहन के आए। आ गया हुकुम, चल ले ले। कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं जाना। चलते हैं। नरेन बेटा, ऐसे सबके सामने पेट दिखा के नहीं जाते, चलो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी फिर से आ गई है? तेरे बापूजी ने बुलाया है, इसीलिए आए हैं। तो आप बापूजी से कहिए कि मेरा केक इनसे ही कटवा ले। अरे मैं जा रहा हूं। नरेन तुम समझाओ ना इसे देवेन। मुझे जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ। सुन लिया आपने? नरेन आओ बा। बा
बाप कौन जय श्री कृष्ण बा नरेन आशीर्वाद ले रहा है नरेन अरे जुग जुग जियो बेटा जुग जुग जियो हां जीव तो रे चल तेरी पार्टी में ले जा मुझे चल 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 चल, चल। आइए जय श्री कृष्ण बाप जय श्री कृष्ण हेमो बेटा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण भाई साहब जय श्री कृष्ण हैप्पी बर्थडे नरेन बेटा थैंक यू सुजान अंकल आइए कम अजी उसकी साड़ी देखिए ना मम्मी साड़ी तो ठीक करो सब दिख रहे हैं हाय हाय भूली गई सॉरी हाँ सुनिए ना ये लीजिए नरेन बेटा ये हमारी परिवार की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच सुजान अंकल बट मैं ये आपका गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता बेटा ले लो सब कुछ तुम्हारा ही है लो नरेन हेमराज भाई मैं समझ सकता हूँ देखिए अभी हम बाहर वाले हैं थोड़ी बहुत तो झिझक होगी लेकिन भविष्य में लेन देन के ऐसे काफी मौके आते ही रहेंगे तभी आप हमें इनकार नहीं कर पाओगे नरेन बेटा केक काट लो हाँ चलो बेटा बेटा सुजान भाई के हाथों से तो गिफ्ट नहीं लिया तुमने अपने बाप के पास से तो गिफ्ट लेगा ना बोल कैसे ही है तुझे मैं भी एक बाप का दिल रखता हूं मांग क्या चाहिए तुझे देख क्या रहा है मांग मांग क्या चाहिए मांग नंदिनी मिलेगी नंदिनी भी मिलेगी अगर तुम्हें नंदिनी ही चाहिए तो नंदिनी भी मिलेगी नंदिनी
यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन कर लो। क्योंकि एक बार हेमराज जतन सी वादा करता है तो उसे मुमकिन करके ही दिखाता है। नंदिनी, पता नहीं ये लड़की बार बार क्यों आ जाती है। या तो हमारी किस्मत खराब है या तो मोटा बापू सटिया गए हैं। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये है हमारे महान सेठ हेमराज रतनशी जी महाराज। मफत नो तमाशो छे। चुपचाप देख। मुझे पता था ये कोई खेल जरूर खेलेंगे, जैसे मेरे साथ खेला था। पुराने खिलाड़ी हैं मोटा काका। शादी के बाद लड़की आमतौर पर अपना सरनेम चेंज कर लेती है, लेकिन हमने सुजान भाई को आग्रह करके उनकी बेटी का नाम ही बदल दिया। सही है ना सुजान भाई? हाँ, इसमें दिक्कत ही क्या है? और भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। जहां आप जैसा संपन्न परिवार, नरेन जैसा होनहार दामाद और पिता समान ससुर पाने के लिए तो मेरी बेटी कुछ भी खोने को तैयार। क्यों नंदिनी बेटा? जी नरेन, अब तो मिल गई ना नंदिनी, खुश? बहुत खुश हूं बापूजी। नरेन का नाम नंदिनी से जुड़ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? पर अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं बस छोटा सा बदलाव चाहता हूं। वैसे ही जैसे आप लोगों ने इनका नाम चेंज करके किया, बिल्कुल वैसा। नहीं नहीं, हम में से किसी को कोई एतराज नहीं है बेटा। और वैसे भी नए रंग चढ़ रहे हो और पुराने रंग उतर रहे हो तो उसमें बुरा क्या है, है ना हेमराज भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भाभी जी। वैसे नरेन, एक बात समझ लेना कि शादी के बाद तुम्हें जिंदगी इसी नंदिनी के साथ गुजारनी है। तुम्हें जो बदलाव करना है कर लो। ठीक है नीतल काकी, क्या प्लीज किचन में जाकर मुझे एक बोल लाकर दे सकती? हाँ, मैं लाती हूँ। थैंक यू। नंदिनी, अपने ये सारे गहने उतारो और इसमें रख दो। क्या हुआ, इधर उधर क्यों देख रही हो? तुम्ही से कह रहा हूं, तुम्हारा ही नाम नंदिनी है ना? हाँ, पर तो बस अपने ये जितने भी तुमने गहने पहने हैं, गले में, कान में, हाथों में, इन सबको उतारो और इसमें रखता हूं।
और बल्कि तुम आज से नहीं अभी से जीवन भर कोई भी गहना नहीं पहनोगी। लेकिन मुझे तो गहने पहनना पसंद है ना। तो वो कीर्ति को पसंद है, नंदिनी को नहीं। वो क्या है कि अब जब नंदिनी नाम लिया है तो नंदिनी के गुण भी लेने होंगे ने। चौका मारा है नरेन भाई ने। तो चलो सारे गहने उतारो आप और इस पर रख दो। जी, नंदिनी की नजर में सेवरों की कोई वैल्यू नहीं है। काकी, थैंक यू। वैसे सुजान अंकल, जहां तक मुझे पता है कि लोग समाज में आपकी काफी इज्जत करते हैं, काफी सम्मान करते हैं, पॉलिटिकली आपके कनेक्शन भी बहुत अच्छे हैं, तो सुजान अंकल क्या आपका कोई कनेक्शन शिक्षा मंत्रालय में है? शिक्षा मंत्रालय में? क्यों? नहीं, वो क्या है ना कि ये जो नंदिनी है इनके पास MA BF की डिग्री, मतलब कि मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल। और वो क्या है कि वो इनके नाम के साथ ना जम नहीं रही है। और जिस नंदिनी का आपने इनको नाम नंदिनी दिया है उसके पास BSc की डिग्री है। वो क्या है कि अगर वो डिग्री इधर भी आ जाए तो गरिमा बरकरार रहेगी। इस बार सीधा छक्का मारा है नरेन भाई ने। सो प्राउड ऑफ हिम। अभी तो देखती जाओ बॉल कहाँ तक जाती है। वैसे बापूजी, सुजान अंकल, रियल नंदिनी का मानना है कि संस्कार और सादगी लड़की का सबसे सच्चा आभूषण होता है, क्योंकि ये जो आभूषण है इसकी वक्त और परिस्थितियों के साथ ना कीमत घटती बढ़ती रहती है, लेकिन संस्कार और सादगी की कोई कभी कीमत नहीं लगा सकता। वैसे कीर्ति, आई एम सो सॉरी, इट्स वेरी न्यू फॉर मी। नंदिनी, क्या तुम अपने हाथों से खांडवी बना के हम सबको खिला सकती हो? बना तो नहीं सकती लेकिन मैं बनवा सकती हूँ, वो क्योंकि हमारे घर पे तो ये नौकर लोग बनाते हैं ना। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन हमें तो बनानी आनी चाहिए ना, क्योंकि जिस नंदिनी का नाम तुम्हें दिया है उस नंदिनी की हाथ की बनी खांडवी पूरे उपलेटा में मशहूर है। खैर ये सब छोड़, ओके। हाँ, हाउ वेल आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट्स और लिटरेचर? अच्छा एक बार, तुमने एक डांट मीठी पढ़ी है या धीरूबेन पटेल के बारे में सुना है? धीरू? हाँ हाँ, मैंने तो उनकी बहुत ऊंची प्रतिमा देखी है केवड़िया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। हाँ
धीरूबेन पटेल उपन्यास लेखिका हैं, जिनको उनकी लिखावट की वजह से राष्ट्र पुरस्कार मिला। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.